क्या नाम हुआ? अंजलि। अच्छा, ये वैलेंटाइन डे पे क्या ड्रेस कॉम्बिनेशन होना चाहिए लड़कों के लिए अगर बात करें? फॉर्मल्स पहन सकते हैं। अच्छा, और कुछ अगर कलर की अगर बात? कलर रेड, पिंक, वाइट। रेड मोस्ट प्रोबेबली रेड पहन सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं। और लड़कियां? फॉर्मल्स कलर ही अच्छे लगते हैं। और लड़कियां कोई भी ड्रेस पहन सकती है, कोई भी जो अच्छी लगे। वो तो डिपेंड करता है सबकी चॉइस पे। जैसे कोई भी वन पीस पहन सकती है। मैं कैसे बता दूँ इस चीज़ में? क्या कुछ कलर का भी इसमें रहता है क्या कि येलो पहनिए, रेड पहनिए, फिर वाइट पहनिए, कुछ ऐसा भी रहता है क्या कलर? नहीं नहीं रेड पहन सकते हैं। अरविंद नाम है मेरा। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे क्या कपड़े पहनना चाहिए? भाई वैसे तो मेरे पास लड़की है नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड। अच्छा। तो लड़की को वैसे पीला या रेड पहनना ही चाहिए। हाँ। और वैसे तो मैं क्या बताऊँ आपको, लड़कों को भाई, लड़कों को तो कुछ भी पहन लो वो तो अच्छे ही लगते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, जिसके पास गर्लफ्रेंड है तो उन दोनों क्या पहनना चाहिए? कपल था कोई? भाई आज के दिन? हाँ। आज के दिन तो भाई रेड पहन सकते हैं। हाँ। देवेश कुमार जांगे। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे लड़कों को क्या ड्रेस कॉम्बिनेशन? मेरे ख्याल से लड़कों को ज़्यादा मेकअप वेकअप तो लड़के करते नहीं है, मेकअप की जरूरत तो लड़कियों को रहती है। लड़के ऐसे ही सुंदर दिखते हैं और बस उनका यही है कि थोड़ा ड्रेस अब सही से रहे। लड़कियों क्या होना चाहिए? लड़कियों को भी मेकअप नहीं करना चाहिए, बाकी मेकअप करने से कोई मतलब नहीं है। जो लड़की की जैसे भारतीय नारी की जो सुंदरता है वो उसके वेशभूषा में दिखती। कुछ कलर सजेस्ट करेंगे लड़कों के लिए? लड़कों के लिए ब्लैक और लड़कियों के लिए शायद वाइट। अच्छा।